नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप लोग का लुटीन देख रहे हैं। देखिए, बरसेंगे बादल या फिर लोगों का होगा गर्मी से बुरा हाल, सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए लोकल लुटीन पर। बिहार के 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना समेत दक्षिण बिहार के 11 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी कर दिया है। राज्यभर में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से तापमान में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 5 अगस्त तक मानसून की गतिविधियां दक्षिण बिहार की ओर केंद्रित रहेगी, लेकिन 6 अगस्त के बाद से उत्तर बिहार की ओर बारिश की मात्रा और व्यापकता में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अब भी राज्य में 45% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 289 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा की स्थिति 531.3 मिलीमीटर है। 4 और 5 अगस्त को पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंशिक से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम भागों के 11 जिलों में वज्रपात व मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 6 अगस्त को उत्तर बिहार के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और किशनगंज जिले में एक या दो से अधिक स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक गहरे अवदाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बना हुआ है। वहीं मानसून टर्फ करनाल, मेरठ, हमीरपुर, बालासोर से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इनके प्रभाव से 4 दिनों तक प्रदेश में वर्षा के आसार हैं। लोकल बुलेटिन के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।